नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बुधवार को चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नहीं आए। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही मोदी 3.0 सरकार के किंग मेकर हैं। बुधवार को जब नीतीश चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे तो एनडीए की नई नवेली सरकार की सेहत पर चर्चा शुरू हो गई। बिहार की विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि एनडीए के घटक दलों के बीच सब ठीक नहीं चल रहा है। इन कयासबाजियों के बीच अब खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने कल यानी बुधवार को ही तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया एन चंद्रबाबू नायडू को फोन मिलाया है। रिपोर्ट के अनुसार नीतीश ने सीएम पद संभालने के बाद चंद्रबाबू नायडू को धन्यवाद दिया। बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान के अनुसार नीतीश ने फोन पर नायडू से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नायडू की अगुवाई में दक्षिण का ये राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। बता दें कि केंद्र की नई एनडीए सरकार में नीतीश दूसरे सबसे बड़े घटक दल हैं। इस सरकार में 16 एमपी के साथ टीडीपी सबसे बड़ा घटक दल है और 12 सांसदों के साथ नीतीश कुमार की जेडीयू दूसरे नंबर पर है। नरेंद्र मोदी सरकार को चलाने के लिए इन दोनों घटकों की भूमिका अहम हो जाती है। दोनों ही पार्टी को केंद्रीय मंत्री परिषद में दो दो मंत्रालय भी मिले हैं। इधर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को प्रचंड बहुमत मिला है। हालांकि नायडू ने अपनी सरकार में पवन कल्याण की पार्टी जनसेना और बीजेपी को शामिल किया है। एनडीए को यहां 175 में 164 सीट मिली है। इस सरकार का शपथ ग्रहण बुधवार को हुआ है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जहां मौजूद रहे, वहीं नीतीश के नहीं पहुंचने से कयासों का बाजार गर्म रहा। एनडीए नेताओं की बात करें तो एलजेपीआर के नेता चिराग पासवान, महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, अनुप्रिया पटेल, आरपीआई नेता रामदास अठावले जैसे नेता मौजूद रहे, लेकिन इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे। इसके बाद विपक्ष के कुछ दलों ने टिप्पणी तेज कर दी थी और एनडीए के कोलैप्स करने की चर्चाएं भी तेज हो गई थी। आरजेडी की तरफ से लगातार तीखी टिप्पणी आती रही। इसी बीच नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके पूरे मामले को ठंडा कर दिया। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है, तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी प्रमुख श्री एन चंद्रबाबू नायडू जी को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। श्री नायडू जी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश के विकास को और गति मिलेगी। नीतीश के इस ट्वीट के बाद साफ हो गया कि चंद्रबाबू और नीतीश के बीच ऑल इज वेल है। साथ ही एनडीए की जो ये बैसाखी वाली विपक्ष द्वारा कही जाने वाली सरकार जो है वो अभी फिलहाल चल रही है। आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। बिहार की खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।